खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के लाल बनगटी सौरूपुर से सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला अंतिमा की मौत का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल तथा कार्यवाही में जुटी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र कोना इलाके के लाल बनकटी सौरूपुर से सामने आई है, जहां की निवासी 25 वर्षीय अंतिमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय प्रमोद पुत्र उदयराज के साथ उसका 7 वर्ष पूर्व विवाह संस्कार हुआ था। महिला का मायका बहराइच जनपद के पयापुर थाना क्षेत्र के चंदवापुर में है। चंदवापुर निवासी घनश्याम पुत्र आदिल ने अपनी पुत्री की शादी लाल बनकटी सौरूपुर निवासी प्रमोद के साथ 7 वर्ष पूर्व की थी। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत से मायके वालों में कोहराम मच गया, वहीं परिजनों में भी कोहराम की स्थिति दिखाई दी। सूचना पर पहुंची इकोना पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार दुबे, वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार सिंह, उप निरीक्षक प्रेमानंद, कांस्टेबल संदीप यादव व अन्य पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के घनश्याम, कहाँ रहने वाले हैं आप? ग्राम चंद्रापुर भेटिया भोपाल। कौन सा जिला लगेगा? जिला बहराइच। अच्छा, ये अभी आपके बेटी की मौत हुई है ससुराल में जी, क्या हुआ, क्या मामला, कैसे मौत हो गई? पहले तो सर ठीक थी, अभी रात में मतलब ऐसा मतलब मैटर हुआ सर। क्या मैटर हुआ है बताइए, खुल के बताइए ना क्या मैटर हुआ। अब हमें क्या पता सर, हमें सुबह 9 बजे सूचना मिली कि तुम्हारी लड़की मतलब मौत हो गई। ठीक है, पुलिस बुलाया है आपने, फॉरेंसिक टीमें आई हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं। कैसे मौत हो गई, क्या लगता है, कोई दिक्कत, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं, लेकिन कल आए थे, कल मैं आई थी तो अच्छी थी, मतलब बोल रहे थे कि अच्छी है हमारी लड़की, कोई नहीं था झगड़ा, पहले कुछ लड़ाई हुई होगी, उसको नहीं पता था इनको, लेकिन कल बरही थी, आए थे, अच्छा माहौल था, अच्छी लड़की थी, फिर आज गए, कल मतलब कल वापस हुए, उसके बाद में आज उसने बोला मौत हो गई। तो आपने कुछ चोट वगैरह देखा उसकी बॉडी में? गले में चोट देखा, निशान देखा और पीठ में भी देखा, उसके बाद में हमने पुलिस को सूचना दिया। अच्छा ठीक है, पोस्टमार्टम जा रही है बॉडी। क्या क्या आरोप लगा है, किसके ऊपर आरोप लगाया है आपने? अब उनके घर वालों को शक है, और क्या क्या शक है आपको? कि ये मर्डर किए हैं। अच्छा, किस तरीके से? अब क्या मालूम, गले का निशान देखा, वो तो जाँच होने के बावजूद में हमको मालूम। अच्छा, लड़की का नाम क्या था? अंतिमा। अंतिमा, कितने साल पहले शादी करी आपने? 2017 में हुई थी, उसके बाद में बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा है 6-7 महीने का। अच्छा, क्या नाम है उसके पति का? प्रमोद कुमार। कहाँ है पति, ससुर, बाकी घर वाले? वो तो थाने गए, और बड़े भाई उसके हैं नहीं, छोटे भाई ही होंगे। ठीक। हालांकि यहाँ पर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सूचना पर पहुंची फोरेंसिक विभाग की टीम आगे की जांच पड़ताल व साक्ष्य आकलन में जुटी हुई है। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र कोना इलाके के लाल बनकटी गांव का है पूरा मामला। अरविंद कुमार, ये जिस लड़की की मौत हुई यहाँ लाल बनकटी में, कौन है आपकी? ये हमारी छोटी बहन है सर। अच्छा, पुलिस बुलाई है आपने यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस पोस्टमार्टम जा रही है। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? सर जैसे सुबह हमारे को सूचित किया इन्होंने, इन लोगों ने बताया कि आपकी बहन का मतलब इंतकाल हो गया, मर गई है। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ना तबीयत ख़राब है ना कुछ, अचानक कैसे हो सकती है। तो इन्होंने बताया कि हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे और हॉस्पिटल ले जाते ही रास्ते में मतलब ख़त्म हो गई। तो हमने वहाँ से अपने पूरे परिवार जन से समय पूरे परिवार, हमारे चाचा भाई बहन मतलब सारे हमारे घर के मेम्बर जितने थे सारे लोग, हम लोग आ करके यहाँ पे जब देखे सर, तो यहाँ पे गले में निशान था और सर मेरी बहन मरी हुई थी, वो चारपाई पे उसको लिटा रखा था धूप में। तो हम आ करके हम सारे लोगों ने सोचा कि कैसे हुआ, पूछा तो घर के कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कोई कुछ बता नहीं। क्या लगता है आपको, आपके बहन की हत्या हुई है? सर निशान के हिसाब से जैसे गले में निशान है सर, वैसे अगर जो देखा जाए तो मतलब यही होता है कि गला दबा के इसकी मौत मारा गया है इसको।
तो हम चाहते हैं सर कि इसको पोस्टमार्टम हो, उसके बाद जो रिपोर्ट आए सच्चाई पता चले। सच्चाई पता लगे। कितना साल पहले आपने अपनी बहन की शादी की थी? सर सच्चाई मतलब शादी इसका किए थे 2017 में सर। कितना साल हो गया आज 24 में? मई में शादी हुई थी 17 में और 24 चल रहा है 17, 3, 20, 4, 7 साल हो गया सर। सात साल। बच्चे बच्चे हैं इसके? हाँ एक छोटा बच्चा है सर 9 साल का 9 महीने का है सर। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम अंतिमा है। अंतिमा, इसका मायका कहाँ पड़ेगा? ये बेहटिया पड़ेगा सर। बेहटिया कौन सा जिला थाना लगता है? ये पड़ेगा सर बहराइच श्रावस्ती। बहराइच जिला पड़ेगा सर और ग्राम चंद्रापुर निवासी हम लोग हैं। थाना कौन सा लगेगा? थाना प्रयागपुर पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पर आप पहुँचे तो ससुराल के लोग यहाँ कहाँ हैं? ससुराल के लोग थे वहाँ पे इधर उधर थे, लेकिन हम लोग जब आए पूछताछ किए तो उन्होंने कुछ बताया नहीं सर। घर का कोई है ही नहीं, सारे लोग फरार हो गए, भाग गए सर। हाँ अच्छा, तो क्या कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता था आपकी बहन के साथ कुछ? सर ये ऐसा कोई हमको मतलब पहले सूचित नहीं किया गया था कि ऐसा ना, हमें जानकारी था कि कोई लड़ाई झगड़ा होता था पहले, लेकिन हाँ बीच में ये होता था सर कि बीच बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब आपस में परिवार वालों से के साथ में होता था, लेकिन हमें इसका ये अनुभव नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होगा, इसके बारे में हमें नहीं जानकारी था। जो भी हुआ है सर इसके जांच, आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं? हाँ जी सर। ठीक।